वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा अनलॉक वन में मिली छूट के उपरांत दुकानों और बाजारों में बढ़ रही महिलाओं की संख्या को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत अंबेडकर चौराहा और विशाल मेगा मार्ट पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान किया गया। दुकानों पर खरीदारी कर रहे लोगों सहित दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्हें आपस में सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु कहा गया। साथ ही उन्हें कहा गया कि अगर वह कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। महानगर में बरसात से होने वाले जलजमाव से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम के द्वारा टीम बनाकर महानगर के नालों नालियों युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले दिनों में बरसात से कोई भी नाला ओवरफ्लो ना हो, सभी नालों की सफाई जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, मातृ छाया चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा दो वांछित महिलाओं को ठीक होने पर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली रुखसाना पुत्री जाकिर हुसैन और दूसरी मीरा चौबे पत्नी देवनारायण चौबे पंजाब निवासी को सुपुर्द किया गया। इस संबंध में मातृ छाया चैरिटेबल फाउंडेशन के संचालक आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया कि दोनों महिला भटक कर गोरखपुर आ गई थी। दोनों महिलाओं से उनका नाम पता पूछकर उनके परिजनों को बुलाकर उनको सुपुर्द किया गया और ट्रस्ट की तरफ से केक काटकर दोनों महिलाओं का खुशी खुशी उनके परिजनों को सुपुर्द कर दोनों महिला को गिफ्ट भी दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विक्षिप्त महिला के परिजन और मातृ छाया के संचालक आलोक मणि त्रिपाठी ने कहा, हो गया उधर देखो बेटा। मेरा नाम है राजीव चौबे। कितने दिन से गायब थे और कैसे आपको पता चला कि ये यहाँ पे? एक जून को गायब थी, 2019 को गायब थी 1 जून को। फिर जालंधर पंजाब से, तो मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत ढूंढा, लेकिन पता नहीं चला। मैं 3 महीना तक ढूंढते मैं परेशान था। फिर भी जब मैं नहीं कोई पता चला तो मैं पुलिस को भी सूचना दिए थे, सारा कुछ अपना कार्यवाही कर लिए थे। अभी हमको तीन महीना पहले हमको सूचना मिला यहाँ गोरखपुर से कि थाने में हमारा रिपोर्ट गया और थाने वाले हमको घर खबर भेजा। वहाँ आप खोजने का प्रयास किए थे? बहुत प्रयास किए, प्रयास करते करते मैं बीमार पड़ गया 3 महीना। मैं इतना गर्मी पड़ रहा था कि मैं प्रयास 3 महीना तक मैं साइकिल से ढूंढते रह गया। कौन है आपके? ये मेरा वाइफ है। मेरा नाम जाकिर हुसैन, जिला समस्तीपुर बिहार के रहने वाले, थाना विद्यापति नगर है। हम आए थे कछौछा शरीफ, उसका दिमागी हालत ख़राब था। उसका ये वहाँ दरगाह है अंबेडकर नगर जिला में पड़ता है कछौछा शरीफ, वहाँ आए थे। तो उससे पहले हम दवा खिलाए तो बंद कर दिए, दवा कर देते थे, लेट हो जाता था तो वो ख़राब हो जाती थी वापस। तो कितने दिन से गायब थी आपकी लड़की? करीब 1.5 साल से। तो वहीं कछौछा शरीफ से ये गायब हुई है। वहाँ कमेटी में हमने खबर किया, वहाँ जो थाना वाले भी थे तो कमेटी। यहाँ मातृ छाया के बारे में कैसे पता चला कि आपकी लड़की यहाँ पर? ये मातृ छाया के बारे में यहाँ से खबर मिला, हमारे थाना में, थाना से हमारे घर पे खबर गया
वहाँ से हम जो है सो लेने के लिए आए। ये 27 आपकी लड़की मिल रही है, मात्र छाया द्वारा ढूंढ कर दिया जा रहा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा काम है। अगर इस तरह का रहे तो मात्र छाया जैसा संस्था है ऐसा रहे तो लोग जो है सो जिसको नहीं ढूंढ पाए और कोई बच्चे खो जाए या पत्नी खो जाए या कोई भी खो जाए तो वो ढूंढ कर देता है, तो बहुत बड़ा काम करता है। मेरा नाम आलोक मणि त्रिपाठी है। ये इसमें से एक लड़की है जो हम लोगों को सिटी माल के पास एकदम विक्षिप्तावस्था में मिली हुई थी, लगातार फटा कंबल उम्बल लेके अजीब सड़क पर बैठी हुई थी। फिर हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने ही रेस्क्यू करके यहाँ ले आए। ये 7 जनवरी 2020 को विभा, जिसका बाद में पता चला नाम की रुखसाना है, उसको हम लोग ले आए थे। लगातार ये लगभग जनवरी के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक लगातार ये बोली नहीं। मई जून में धीरे 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 कर काउंसलिंग करके और पारिवारिक जो माहौल हम लोगों ने यहाँ अपना देखा, काउंसलिंग कर किया और मनोचिकित्सक हमारे डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव जी के जो चिकित्सकीय देख रेख में, इसमें धीरे धीरे मानसिक सुधार हुआ। पहले लगातार उठती बैठती थी, अजीब अजीब सी हरकत करना और आवाज़ बिल्कुल नहीं थी इसकी। अचानक से सुबह एक दिन उठी तो भैया नमस्ते, उसने कहा, मतलब आवाज़ उसकी अचानक से आ गई 4 महीने के बाद लगभग। बाकी उसके बाद फिर काउंसलिंग के बाद धीरे धीरे काउंसलिंग करके उनको एक सुरक्षा की भावना इन लोगों में भी यहाँ रहती है, जैसे भाई जैसा घर जैसा व्यवहार किया जाता है। तो फिर उन्होंने नंबर वगैरह थाना विद्यापति नगर थाना बताया, फिर वहाँ से फॉलोअप करके टीम ने इनको घर पहुँचाने में सहयोग किया। इनके पिताजी दिल्ली रहते थे। दूसरी महिला भोजपुर की हैं, ये हमको मोहद्दीपुर से कुछ पुलिस के लोगों ने पहुँचाया था और एक लोकल वहाँ के रहने वाले, ये अपना रास्ता भटक गई थी बहुत काफ़ी दिनों से, मानसिक विक्षिप्तावस्था में ये बहुत तगड़ी थी। इनका भी जो 13 दिसंबर 2019 को हमारे पास ये आई थी, इनका नाम मीरा देवी है, ये भोजपुर की रहने वाली हैं और इनके पति जी आए हैं लेने के लिए।